आपके अंदर अगर सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है ना, तो आपको अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव करने में ना काफ़ी प्रॉब्लम होगी, काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ेगा। ये आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए तो ज़रूरी है ही, आपकी हेल्थ के लिए ज़रूरी है, और साथ ही साथ आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए भी ना बहुत ज़रूरी है। हेलो, माय नेम इज़ प्रीति एंड वेलकम टू माय चैनल जज्बा। आपको अपने आप को मोटिवेट रखना होगा, क्योंकि इससे आप अपनी लाइफ में जो पाना चाहते हैं ना, वो पाना आपके लिए इजी हो जाता है। आपको अलग से कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती है। उस चीज़ को पाने के लिए जो एफर्ट डालना है ना, जो काम करना है, वो आपकी हैबिट में आ जाता है, आपका रूटीन बन जाता है। और अगर आप कभी भी डिस्ट्रैक्ट होते हैं किसी वजह से भी ना, कोई भी डिस्टर्बेंस होता है, तो आपको उस चीज़ का गिल्ट भी रहता है, और आप कंपनसेशन के तौर पर उस चीज़ पर ना एक्स्ट्रा वर्क करते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन के लिए ज़रूरी है कि आप लोगों के बारे में ज़्यादा ना सोचें, लोगों के साथ बहुत ज़्यादा ना, जिसे कहते हैं व्यवहार बनाना, उस चक्कर में ना पड़ें, लोगों को थोड़ा सा ना बोलना भी सीखें। ऐसा कोई ग्रुप, ऐसे कोई दोस्त या ऐसी कोई प्लानिंग जिससे कि आपका टाइम वेस्ट हो, जिससे कि आप अपने कामों से डिस्ट्रैक्ट हों, ऐसी चीज़ों से थोड़ी सी दूरी बनाकर रखें। अपने को और अपने काम को ना थोड़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दीजिए। अपने को लेकर और अपने काम को लेकर, अपनी चीज़ों को लेकर थोड़ा सा कॉन्शियस रहिए, क्योंकि दुनिया में ना चालबाजी बहुत है। लोग बाहर से अच्छे दिखते हैं, वो सच में अच्छे हों ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। आप अगर ज़्यादा किसी को टाइम देते हैं ना, तो इससे आपके रिश्ते भी ख़राब होते हैं, और आपका टाइम तो वेस्ट होता ही है। बाद में आपको इस चीज़ को लेकर पछतावा भी होता है। जो टाइम आपको खुद को देना था ना, आपने दूसरों को दिया, और उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इसलिए अपने टाइम को ना अपने ऊपर खर्च करिए, लोगों से थोड़ा बना कर रखिए, बट बहुत ज़्यादा मिक्स होने की ना कोशिश मत करिए। हर जगह हर चीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व मत करिए, बस वही करिए जो आपके लिए ठीक है, जितने से आपको अपने कामों में कोई डिस्टर्बेंस ना हो। आगे चल कर के आपके अंदर किसी को भी लेकर ना कोई भी नेगेटिव इमोशंस डेवलप ना हो, इस चीज़ का भी ध्यान रखिए। साथ ही आप सेल्फ एग्जामिन भी करिए, आप इस टाइम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, और ये करना कितना ज़रूरी है, क्या ये चीज़ आपको फ़ायदा देगा, ये सारी चीज़ें खुद से पूछना, यही सेल्फ एग्जामिन है। यही चीज़ आपको सेल्फ डिसिप्लिन में रहना भी सिखाता है। ये चीज़ अपने आप से ज़रूर पूछिए, सेल्फ एग्जामिन ज़रूर करिए। कभी कभी हम डर की वजह से या फिर किसी दबे हुए इमोशंस की वजह से ना, अपनी लाइफ में वो नहीं कर पाते हैं जो हम करना चाहते थे। अगर आपके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन डेवलप होने लगेगा ना, तो ये दबे हुए इमोशंस या डर जो है ना, ये बाहर निकलने लगेगा, ये आपसे दूर होने लगेगा। खुद को आप नर्चर करिए, अपने नेगेटिव इमोशंस को कंट्रोल करिए, इससे आपका स्ट्रेस भी कम होगा। सेल्फ डिसिप्लिन आपके अंदर तभी बिल्ड होगा जब आप सेल्फ लव को इम्पोर्टेंस देंगे, ये कितना ज़रूरी है इस चीज़ को समझ पाएंगे, क्योंकि तभी आप ना अपने सपनों को पूरा करने के लिए जो ज़रूरी चेंजेस है ना, वो अपने अंदर ला पाएंगे। सेल्फ डिसिप्लिन को जो लोग एक सजा मानते हैं या फिर जिन्हें ये बोरिंग लगता है ना, ऐसे लोग इसे अपने अंदर कभी भी नहीं डेवलप कर पाते हैं, क्योंकि वो करना नहीं चाहते हैं, वो आलस और प्रोक्रेस्टिनेशन से भरे होते हैं। अपनी लाइफ को मस्त होकर के जियो, क्यों किसी चीज़ से अपने आप को बांधना, ये चीज़ वही सोचते हैं जो डिसिप्लिन को एक सजा मानते हैं। कभी कभी चेंज के लिए हम जो करते हैं ना, वो भी डिसिप्लिन का ही पार्ट, और इसी से हम डिसिप्लिन में रह पाते हैं। आप अपनी लाइफ को मस्त होकर के नहीं जी सकते हैं जब तक आप डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करते हैं, तो आपको हर तरीके की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। आपके अंदर कभी भी कुछ भी अच्छे चेंजेस नहीं आते हैं, आप जहाँ रहते हैं वहीं रह जाते हैं, आगे कभी आप बढ़ ही नहीं पाते हैं, खुद को आप कभी ग्रूम नहीं कर पाते। हाँ, आप धीरे धीरे बर्बादी या गलत रास्ते पे ज़रूर जाने लग जाते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन यानी आज के काम को कल के लिए टालना, टाल मटोल करना, इससे आपको सिर्फ स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होती है और गिल्ट आता है मन में। आप अपने प्रीशियस टाइम को और अपॉर्चुनिटी को, दोनों को मिस करते हैं। धीरे धीरे आपकी हैबिट में आ जाता है और आपकी प्रोडक्टिविटी को भी ना हर दिन कम करता जाता है। इसलिए मन मत देखिए, काम देखिए कि क्या काम आपके लिए ज़रूरी है, क्या काम आपके लिए अभी करना बहुत ज़रूरी है।
मन जो है धीरे धीरे उसमें लग ही जाता है और बाद में आपको इस चीज़ के लिए ना अच्छा भी फील होता है। किसी एक दिन अपने आप को फ्री रखिए, उस दिन कुछ मत करिए, सिर्फ इंजॉय करिए, अपने मन का काम करिए। यही तो है बैलेंस करना लाइफ को, यही तो है आपका डिसिप्लिन, यही तो आपको चार्ज करता है, यही तो आपको फिर से उस काम को करने के लिए तैयार करता है। डिसिप्लिन में रहना आपको ना फिर सजा नहीं लगती है, ये चीज़ आपका रूटीन बन जाता है, आपकी लाइफ का हिस्सा बन जाता है। फिर आपकी लाइफ में सब कुछ होता है, काम भी, इंजॉयमेंट भी, पार्टी करना, बाहर जाना, घूमना फिरना और अपने लाइफ में अपने रिश्तों को भी वक्त देना, खुद को वक्त देना, सारी चीज़ें आप मैनेज कर पाते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में, खुद का ख्याल रखिए।